गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आप लोगों के सामने ईशा लेकर आई है बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेस जिनको फॉलो करके विद इन अ मंथ आप अपने लेग्स को टोन अप कर सकते हैं और एक परफेक्ट बूटी शेप पा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के ग्लूट्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल फ्लैटन होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर होते हैं। तो ओवर चीज भी जो फैट होता है वो बहुत मेच्योर लुक देता है, बहुत खराब लगता है और हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। सेम ऐसे ही अगर आपके जो बट्स हैं बहुत ज्यादा फ्लैटन है तो भी वो बहुत खराब लुक देते हैं। लेकिन आज की मेरी एक्सरसाइजेस फॉलो करने के बाद आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो देरी मत कीजिए, फटाफट से अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, एक मैट लें और मेरे साथ शुरू हो जाएं। और डेफिनेटली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करने के बाद आपको विद इन अ मंथ क्या रिजल्ट रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपका छोटा सा एक्सपीरियंस बहुत लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकता है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। उसके बाद में अपने दोनों हैंड्स को आप वेज पे रख लीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपका बैलेंस आउट होता है तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद में आपने अपनी नीज को स्लाइटली बेंड करना है, चेस्ट को आपने आगे की तरफ रखना है और अपनी वन लेग को आपने पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। देन आपने अपने टोज को मैट पे रखना है, प्रॉपर फीट को नहीं सपोर्ट देना। अगेन बैक टच, बैक टच, ठीक है। आपने ईच पे करना है इसको 20 टाइम्स और इसके करने हैं एटलीस्ट आपने 5 सेट, ठीक है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से
वहीं आपने बेंड करना है इसको, ये आपके ग्लूट मसल को आपके थाई मसल को बहुत अच्छे से टोन करती है। सेम हम करेंगे अदर लेग पे।
रिलैक्स डन। आपकी यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज ऐसे ही वीडियोस को मेरे पसंद करते रहें, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।